हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर। बेसिकली मेरा हालात उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बातें करने में, लेकिन कोई नहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होने वाला है यूजी एंड पीजी का, तुम सभी को पता चल गया होगा कि यूजी में कुछ कुछ सब्जेक्ट जो भी मतलब अवेलेबल है उनका डेट आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम का। मैंने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई जादवपुर में यूजी में एंट्रेंस एग्जाम होता है, पीजी में भी होता है, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट का कब एग्ज़ाम लेने वाला है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, कितना टाइम पे होगा, सारा के सारा चीज़। एंड उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरिट लिस्ट कब दिया जाएगा। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि काल से बुखार है, पता नहीं कैसे हो गया। तो चलो यार, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, और बोल देता हूँ, सुनो। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा ना तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोग ना ऐसे गूगल में सर्च करता है और गूगल में सारे के सारे चीज़ सही नहीं होता है, ठीक है। जो भी पोस्ट मतलब ब्लॉगर लोग डालते हैं ना, वही सर्च में आ जाता है। सो दैट्स वाई सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एकदम सही होगा हर एक टाइम, वो नहीं है। सो दैट्स वाई मेरे को लगा कि इस बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जादवपुर के बारे में तुम लोगों को अच्छे से कॉन्टेंट पहले से देते रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी देंगे, अभी देखो मैं यहाँ से देखना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे चीज़ तो मैं याद नहीं रख सकता ना। अभी देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या था, 6/6/2024 था साइंस के लिए, जो भी फैकल्टी ऑफ साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं जादवपुर में उन सब के लिए। अभी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, मैथमेटिक्स के लिए नहीं होगा, मैंने पहले से ही बताया था। अभी देखो फिजिक्स में कब एग्जाम डेट है, टेंटेटिव डेट बोला गया है और इसी में होगा, चेंजेस नहीं होते उतना ज़्यादा। 24 तारीख एग्जाम है जो ईद के बाद ही आएगा, ठीक है। 24 तारीख फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा 11 बजे से 1 बजे तक फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मतलब 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, ठीक है। केमिस्ट्री का होगा 25 तारीख और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो समझ पा रहे हो, और किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होगा जो भी जादवपुर में अप्लाई किए हो और आलिया में अप्लाई किए हो, तो इनका 22-23 में ख़त्म हो रहा है। सो इसका डेट में कोई हैम्पर नहीं हो, जैसे कि एम्स ने भी किया था बी सी नर्सिंग को लेकर अलग डेट को, मतलब वो लोग सोच के दिया था, तो वो वाला ज़्यादा बेहतर था सबके लिए कि प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अभी चलो बात करते हैं पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट कब आएगा। देखो जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं ना उनका मेरिट लिस्ट थोड़ा देर में आएगा, लेट में आएगा, बाकी लोगों के लिए ऐसा मान सकते हो कि थोड़ा सा लेट में आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजिकल साइंस के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं हो रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्लास 12 रिजल्ट, सो दैट्स वाई मेरिट लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। 2 तारीख आ रहा है जुलाई में 2 तारीख आ रहा है मेरिट लिस्ट। अभी देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और जियोग्राफी जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उनका भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तुम लोग को मिल जाएगा और मेरा वेबसाइट में भी है, तो उसको जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसमें बात करते हैं 5/7/2024 को तुम्हारा क्या होगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड योर ज्योग्राफी। सो देर किस बात की यार, चलो शुरुआत करते एक नया चीज जो है तुम्हारा आर्ट्स वाला बैकग्राउंड। बहुत लोग सोच रहे हैं कि यार आप तो साइंस के बारे में बोल रहे हो, आप तो साइंस बैकग्राउंड से, यार यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारे के सारे बंदे को बहुत अच्छे से प्यार करता हूँ, सारे के बारे में बनाऊंगा हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। अभी देखो बेसिकली यहाँ पे मतलब क्वेश्चन पेपर जिसको भी मिला है तो ठीक है, नहीं मिला तो यार बात कर लेना, पूछ लेना मेरे को। इंपॉर्टेंट डेट्स जो भी है मैं बता देता हूँ आर्ट्स के लिए। आर्ट्स के लिए डेट है मतलब यार क्या ही बताऊँ, टेंटेटिव डेट एंड एडमिशन टेस्ट का, मतलब ये वाला डेट है आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ना, ठीक है। आज है 11 तारीख, तो 11 तारीख की डेट है कुछ सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि बंगाली एंड कंप्यूटर मतलब कंपेरेटिव लिटरेचर का, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में ही होता है, और इनका डेट था 3 तारीख लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने का। बहुत लोग सोच रहे हो कि जादवपुर में फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट होगा यूजी का, बहुत लोग को मैंने बोलते बोलते थक गया, पहले मैं तीन महीने से वीडियो बना रहा हूँ जादवपुर के बारे में कि बोल रहा हूँ कि अभी स्टार्ट होगा, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। इंग्लिश का बता देता हूँ, देखो 21 तारीख है इंग्लिश, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री का तो 14 तारीख है, ठीक है, और फिलोसफी का 12 तारीख है, और इंग्लिश का 21 तारीख है, और मतलब 1 जुलाई को है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में होगा। संस्कृत का 12 तारीख है, सोशोलॉजी का 19 तारीख, पॉलिटिकल साइंस का 20 तारीख है। तो यार सारे के सारे बता दिया, मतलब अगर किसी को मतलब समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा सुन लो तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो वेबसाइट चेक कर सकते हो, अगर वेबसाइट में नहीं मिले तो वीडियो को देख लो यार, उससे एक फायदा हो जाएगा। और तुम्हारा मतलब सारे के सारे जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड का है उनका मेरिट लिस्ट आ सकता है 10 तारीख जुलाई में, ठीक है, यही वाला चीज़ है। बाकी कितना पैसा लगेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ में मतलब डिस्कस करूंगा तुम लोगों के साथ बाद में, नॉट राइट नाउ, मतलब बाद में तुम लोगों को बता दूंगा कि भाई क्या करना है। और एक चीज़ बहुत लोग मतलब सोच रहे हो कि सर बता दीजिए मतलब लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में, उनको को मतलब छोड़ नहीं सकते ना, उनको भी बताना पड़ेगा, तो दैट्स उनके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। और इनका तो मतलब फॉर्म फिलअप पहले से हो गया था, इंपॉर्टेंट डेट बता देता हूँ, आई थिंक इसका मतलब कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। और डेट ऑफ एडमिशन टेस्ट है 11 तारीख, मतलब देखो आज ही है, क्या ही बताओ यार। मेरिट लिस्ट कब आएगा बता देता हूँ, मतलब
मेरिट लिस्ट 18 तारीख आ सकता है, इसी महीने में 11 तारीख हो रहा है, 18 तारीख आ जाएगा, मतलब 5-6 दिन में आ जाएगा। देर नहीं करते हैं BLIS का, मतलब लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस का, देर नहीं करते, जल्दी जल्दी दे देता है, ठीक है। यही है तुम्हारे लिए अपडेट। एंड पीजी के बारे में सोच रहे हो बहुत लोग कि सर पीजी के बारे में बता दीजिए, पीजी के देखो अभी इस महीने में एग्जाम हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप आ सकता है इसी महीने में लास्ट में आ सकता है, नहीं तो जुलाई में तो कन्फर्म आ ही जाएगा। इतना दिमाग में रखो कि जुलाई में फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। एंड जो भी पीजी का कैंडिडेट है उनका मतलब मेरिट जो था यार यूजी में जितना भी मार्क्स था उसको लेके, एंड जो भी तुम एग्जाम एंट्रेंस दे रहे हो ना वो सारे के सारे चीज़ को लेके होगा। अभी देखो ये पंखा चल रहा है क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, क्योंकि बुखार है थोड़ा सा, इसलिए मैं चला के रखा है। यार साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई ना यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि मेरा भी हालत खराब है, फिर भी तुम्हारे लिए वीडियो बना के दे रहा, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट यार, कुछ नहीं बोलूंगा यार, इतना दिमाग में रखो यार, काम करो, ठीक है। जो भी कुछ पूछना होगा नीचे जाके पूछ सकते हो, और मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा, क्या ही पढ़ोगे बता देता हूँ, जो भी टाइम है अभी भी, ठीक है। साइंस के लिए तो यार NCERT पढ़ के जाओ 11-12 का, मतलब अच्छा हो जाता है, और थोड़ा सा डीप लेवल का प्रॉब्लम आता है, मैक्सिमम कोशिश करोगे 50% कोशिश करोगे तुम कर पा रहे हो, तो उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और नंबर तुमको अच्छा है मैथमेटिक्स में तो तुम्हारा तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो ही जाएगा इस बार, ठीक है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, फिर मिलते एक नया वीडियो के साथ जादवपुर के बारे में और बाकी सारे के सारे चीज़ के बारे में, तो मिलते हैं, बाय टाटा, टेक केयर।